गुड मॉर्निंग क्लास 12, वेलकम यू ऑल इन क्लासरूम नोट्स पर ही रेखा जैन। और आज हम करने वाले हैं द लेबनन टॉप बाय टेड ह्यूज, हिंदी में विद द हेल्प ऑफ वर्ड मीनिंग्स एंड पोएटिक डिवाइस। सो लेट अस स्टार्ट। द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स पॉलन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखो लेबनन टॉप जो है एकदम साइलेंट है, बिल्कुल स्टिल है। स्टिल का मतलब मोशनलेस, कोई मूवमेंट्स नहीं है। और टाइम ऑफ द डे क्या है? आफ्टरनून। और मंथ ऑफ द ईयर क्या है? सितंबर। और ये भी देख लो कि सारा एवरी थिंग इज येलो, ऑफ येलो कलर। तो येलो कलर जो है वो छाया हुआ है हर जगह, और लीव्स भी येलो हो गए हैं, सारे सीड्स गिर गए हैं। दैट मीन्स ऑटम सीजन है ये। और फिर इसके अंदर जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, एक तो इमेजरी कैसी यूज़ की है पोइट ने, एकदम साइलेंस की, क्वाइटनेस की, स्टिलनेस की, जैसे बिल्कुल डेड साइलेंस। और दूसरी जो इमेजरी जो पोइटिक डिवाइस है, दैट इज़ एलिट्रेशन। और वो कैसे है देखो, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है पोएम का, साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, इसके अंदर साउंड स रिपीटेड है दो बार, और सेकेंड लाइन में भी साउंड स रिपीटेड है सेप्टेम्बर सनलाइट में। तो इसको कहते हैं एलिट्रेशन। अब है टिल द गोल्ड फिज कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच, एंड देन स्लीक एज ए लिजर्ट एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरलिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब देखो ये जो सेकेंड स्टैंजा है, ये बिल्कुल कंट्रास्ट में है, बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट स्टैंजा के। फर्स्ट स्टैंजा में क्या था? डेड साइलेंस। और इसमें क्या है? लाइवलीनेस, खूब मूवमेंट्स हो रहे हैं, खूब नॉइज हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? साइलेंस कब तक थी? जब तक गोल्ड फिंच नहीं आई, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। और वो कैसे आई? विद द ट्विचिंग चिरप, शॉर्ट चिरप, चिरपिंग साउंड करती हुई आई। और कैसे आई? इस सडननेस, सडनली आई। और कैसे आई? सरप्राइज के साथ आई, स्टार्टलमेंट के साथ आई। एट ए ब्रांच एंड, और कहाँ आके बैठी? ब्रांच एंड पे बैठी। और फिर वहाँ क्यों बैठी? क्योंकि उसने ये इंश्योर करना था कि कोई डेंजर तो नहीं है, क्योंकि उसके जो ट्री के अंदर उसकी फैमिली रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, बेबी बर्ड्स रहते हैं। तो ये बैठने से पहले ये इंश्योर करती है कि कोई डेंजर तो नहीं है। और फिर जब वो इंश्योर हो गया, तो फिर वो अंदर चली गई। कैसे गई? कंपैरिजन, उसके मूवमेंट का कंपैरिजन हुआ लिजर्ड के मूवमेंट से। स्लीक, बिल्कुल जैसे लिजर्ड होते हैं, स्लीक। स्लीक का मतलब सटीक, बिल्कुल स्ट्रेट, स्मूथ, ग्लोसी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है रास्ते में। और अलर्ट होती हुई जा रही है, और सडनली जा रही है, एब्रप्ट दैट मीन्स सडनली जा रही है। और कहाँ जा रही है? इनटू द थिकनेस का मतलब इनटू द मिडल, डेंस जो है वो थिक है, जो पेड़ घना पेड़ है। और फिर जैसे वो अंदर जाती है, तो अभी तक तो डेड साइलेंस थी, और अब क्या हो गया? मशीन स्टार्टअप हो गई। जैसे मशीन का नॉइज होता है, ऐसे बेबी बर्ड ने नॉइज करना स्टार्ट कर दिया। और कैसे स्टार्ट कर दिया? चिटरलिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स। चिटरलिंग्स क्या होती है? शॉर्ट साउंड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। और ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब मोमेंट्स ऑफ विंग्स, एंड ट्रेलिंग्स का मतलब शॉर्ट चिरपिंग साउंड। और इन सब से जो है पूरे ट्री के अंदर इसे जान आ गई। इट स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग विद थ्रिल्स एंड एक्साइटमेंट। इस लाइन में पोएट ने परसोनिफाई कर दिया है ट्री को, जैसे एक ह्यूमन बीइंग थ्रिल्ड होता है, एक्साइटेड होता है, ट्रेम्बल करता है, ऐसे ही ट्री ट्रेम्बल कर रहा है यहाँ पर। और ट्री ट्रेम्बल में रेपिटेशन ऑफ साउंड टी हो गई, तो एलिट्रेशन भी हो गई। एलिट्रेशन दूसरी जगह भी है, सडननेस, स्टार्टलमेंट, रेपिटेशन ऑफ साउंड स। अब सिमिली देखो किसमें है? स्लीक एज ए लिजर्ड, जो गोल्ड फिंच का मूवमेंट है, वो लिजर्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है कि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, सीधी चली गई। मेटाफर यूज है मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे एक मशीन नॉइज करती है, बेबी बर्ड्स ने नॉइज करना स्टार्ट कर दिया। और फिर पर्सोनिफाई किया है ट्री को, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब क्या है देखो, नेक्स्ट स्टैंजा इज, इट इज द इंजन ऑफ हर लाइफ। दिस मीन्स बेबी बर्ड्स आर द इंजन ऑफ हर लाइफ।
जैसे इंजन होता है एकदम नॉइज़ करता है, बेबी बर्ड्स ने भी नॉइज़ स्टार्ट कर दिया। शी इज़ टॉक्सिकफुल, इस इंजन को वो फीड करती है, फीड करने को कंपेयर किया है फ्यूल फिल करने से। जैसे इंजन के अंदर पेट्रोल या डीजल डालते हैं, ऐसे बेबी बर्ड्स के डमी में फूड डाल रही है वो इंजन के अंदर, ताकि वो लाइवली रहे, चलता रहे। एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, उनको फीड करा के वो कहाँ चली गई, फिर से ब्रांच एंड पे चली गई, फ्लाई कर गई वहाँ से। और फ्लाई कैसे मैनर में किया उसने, वेरी फास्ट, और वहाँ जाके बैठ गई, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। वहाँ बैठ के ट्विग्स के पीछे बैठ गई वो, ताकि किसी को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली दिखाई ना दे, लेकिन वो सबको देख सके। तो वो जो उसकी जो ट्विग्स थी वो उसके फेस के आगे डेली वो वहाँ बैठती थी, तो जैसे वो उसका आइडेंटिटी मास्क बन गया इन गोल्ड फिंच का। अब पोएटिक डिवाइसेस, जैसे बेबीज, जैसे इंजन नॉइज़ करता है, ऐसे बेबीज नॉइज़ करने लगी जैसे उनकी मदर आई। स्टॉक्स यूथ में मेटाफर है, जैसे फ्यूल फीड करते हैं, फ्यूल डालते हैं इंजन के अंदर, ऐसे ही मदर ने बेबीज की टमी के अंदर फूड डाला। इमेजरी यूज़ की है पोइट ने बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क क्रिएट करके, जैसे जैसे वो एक एक अपने माइंड में पिक्चर बना लो, एक ब्रांच के ऊपर गोल्ड फिंच बैठी है, उसके सामने दो ट्विग्स हैं, और वो उसका आइडेंटिटी मास्क बन गया, उसकी पहचान बन गया। ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज है बर्ड फेस में, जो एडवर्ब है वो वो क्वालिटी को दूसरे नाउन पे ट्रांसफर कर रहा है, फेस पे ट्रांसफर कर रहा है क्वालिटी को। और शी स्ट्रोक, रेपिटेशन ऑफ द साउंड सो इन शी स्ट्रोक्स। अब लास्ट चेंजा देखो, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप्स विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लिवर नन सबसाइड्स टू एम्पटी। अब देखो, विसल चिरप्स, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप, एरी मीन्स डराने वाली, स्केयरी, विसल चिरप साउंड क्रिएट करती है, विस्परिंग साउंड क्रिएट करती है, जैसे सीटी बजाने वाली, मिस्टीरियस साउंड क्रिएट करती है। क्यों करते हैं कि अगर कोई आसपास उसके बेबीज के लिए कोई डेंजर है तो वो वहाँ से भाग जाए डर के मारे। फिर वो भी खुद भी शी लॉन्चेज अवे, वो चली जाती है, फ्लाइज अवे, कहाँ चली जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, टुवर्ड्स द स्काई, और फिर से लेबनन टॉप जो है खाली हो जाता है, सबसाइड्स, रिड्यूसेस टू एम्प्टी। जैसे स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग ऑफ द पोएम में था डेड साइलेंस, बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाता है। अब यहाँ पोएटिक डिवाइसेस देखिए, मेटाफर किस में, लॉन्चेस वर्ड में, जो लॉन्च वर्ड होता है वो मिसाइल लॉन्च करने के लिए होता है, और यहाँ फॉर फ्लाइंग ऑफ द बर्ड गोल्ड फिंच, इसलिए मेटाफर हो गया। शी वर्ड में पर्सोनिफिकेशन, बर्ड के लिए शी यूज हुआ है, जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है। तो होप आपको ये आज के पोएम अच्छे से समझ आई है, एंड यू विल ट्राई टू री लिसन दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, एंड विल मीट अगेन विद क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय 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 देन।